हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जन्मदिन मनाता है, और इस देश के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन फिर भी इसकी गिनती गरीब देशों में होती है। जिस तैमूर और बाबर ने हमारे देश यानी कि भारत को बर्बाद किया, ये देश इन सबको पूछता है यार। लेकिन इस देश के साथ हमारा रिश्ता आज भी काफी दोस्ताना है। इस देश के लोग खाने पीने के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं, और ये एक ऐसा देश है जिसे बसाने की परमिशन दी थी एक तेंदुए ने। जी हाँ दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि एशिया का बहुत ही खूबसूरत देश उज्बेकिस्तान है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश उज्बेकिस्तान के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन तो जरूर दबाओ यार। दोस्तों, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की जनसंख्या है 3.5 करोड़, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की सूची में ये 42वें नंबर पर आता है। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में स्थित एक डबल लैंड लॉक्ड देश है। इसका मतलब ये है कि इसकी सीमा जिन देशों से लगती है, उनकी सीमा भी किसी समुद्र से नहीं लगती है। मतलब कोस्टल एरिया तक जाने के लिए यहां के लोगों को कम से कम 2 देश के बॉर्डर पार करने होंगे। अब आपको बता दें दोस्तों कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी सीमाएं उनके साथ में शेयर करता है जिनके नाम के अंत में स्तान लगा होता है। उज्बेकिस्तान के उत्तर में है कजाकिस्तान, दक्षिण पूर्व में तजिकिस्तान, उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान से घिरा हुआ है। वहीं देश के दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान है, यानी कि चारों तरफ बस स्तान ही स्तान वाले देश है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान का राजधानी शहर है ताशकेंट, और ये ना सिर्फ उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि ये है सबसे खूबसूरत शहर। लेकिन 1966 में इस शहर में एक भयानक भूकंप आया था, और उस समय से ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन अंत में एक बार फिर से इसे बसाया गया और आज ये इस देश की राजधानी है। दोस्तों, राजधानी ताशकंद हर किसी का स्वागत करता है, और आपको बता दें कि 1966 में उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु इसी ताशकंद शहर में हुई थी। उनकी मौत आज भी एक पहेली है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ताशकंद के लोग राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती के बहुत बड़े फैन है। उज्बेकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है उज्बेक, और यहाँ के 27 मिलियन लोग यही भाषा बोलते हैं। सरकारी काम के लिए भी यहाँ पर इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही इस देश में रशियन भाषा भी खूब बोली जाती है। और धर्म की बात हो तो उज्बेकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ लगभग 88% मुसलमान सुन्नी मुसलमान है। लेकिन दोस्तों, उज्बेकिस्तान के मुसलमानों की खासियत है कि वो धर्म निरपेक्ष होते हैं, जिन्हें बाकी किसी धर्म से कोई परेशानी नहीं होती है। वो अपने धर्म में मस्त रहते हैं और बाकियों को कहते हैं तुम भी मस्त रहो। उज्बेकिस्तान में कानून को सख्ती से लागू किया जाता है, और कानून तोड़ने वालों को बहुत ही सख्ती से सजा दी जाती है। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश का नाम उज्बेकिस्तान कैसे पड़ा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान का नाम मंगोल शासक तैमूर के पोते उज्बेक के नाम पे पड़ा है। इतिहास की बात करें तो उज्बेकिस्तान का प्राचीन इतिहास फारसी साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। देश को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा जीता गया था, और इसके बाद ये देश लंबे अरसे तक फारसी साम्राज्य का हिस्सा रहा। 8वीं शताब्दी के दौरान अरब सेनाओं ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया था, और इसके बाद यहां रहने वाले खाना बदोश तुर्क जनजातियों को इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया गया। वहीं 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में इस क्षेत्र पर उज्बेकियों ने आक्रमण कर दिया था। फिर यहाँ के मूल निवासियों के साथ मिलकर इसका अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। 19वीं शताब्दी के मध्य में ये क्षेत्र रूस के अधिकार में आ गया, और उस समय रूस सोवियत संघ हुआ करता था, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद उज्बेकिस्तान के लोगों ने सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया, और साथ ही अपनी स्वतंत्रता के लिए भी आवाज उठानी शुरू कर दी। साल 1924 में उज्बेकिस्तान रिपब्लिक बना, और 1925 में स्वतंत्र उज्बेकिस्तान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना। सोवियत यूनियन से टूटने के बाद उज्बेकिस्तान में पूरी तरह से आजादी हो गई। दोस्तों, तैमूर को इतिहास का सबसे क्रूर राजा माना जाता है। तैमूर उज्बेकिस्तान का ही रहने वाला था, जिसने यहाँ तिमुरीद साम्राज्य की स्थापना की थी, और ऐसा कहा जाता है कि उसने करीबन 2.5 करोड़ लोगों की हत्याएं की थी। भारत में भले ही उसे खलनायक माना जाता है, लेकिन सेंट्रल एशिया के लोग उसे हीरो की तरह मानते हैं। तैमूर जब चीन पर फतह हासिल करने के लिए निकला था, तब उसकी मौत हो गई थी। तैमूर के कब्र को लेकर भी एक दिलचस्प कहानी है। उस जमाने में बड़े शासक की मौत पर कब्र को बेशकीमती पत्थरों से सजाया जाता था, और तैमूर की कब्र का पत्थर ईरानी शासक नादिर शाह को बहुत पसंद आया। वो उस पत्थर को उठाकर अपने देश ले गया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि वो पत्थर 2 टुकड़े में टूट गया। कहते हैं इसके बाद ही नादिर शाह के बुरे दिन शुरू हो गए थे। लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी तैमूर चैन से नहीं रहने देता है। उज्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास एक्सपोर्टर और 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सोना, तेल और प्राकृतिक गैस के साथ साथ यूरेनियम का भी एक्सपोर्ट करता है। इस देश के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन हाँ, इससे आया सारा पैसा राष्ट्रपति और सरकार के लोगों के पास में चला जाता है, और यही कारण है कि इतना सब कुछ होते हुए भी ये एशिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। उज्बेकिस्तान के लोग ना बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, और देश की लिटरेसी रेट है 99.99%। इसी से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर लगभग सब के सब पढ़े लिखे लोग ही हैं, और इस देश में आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अनपढ़ हो। यहाँ के हर घर में पढ़ाई लिखाई और डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, और सबको पढ़ने के लिए कहा जाता है। साथ ही इस देश के लोग ना खेलकूद में भी माहिर होते हैं। उज्बेकिस्तान का लोकप्रिय खेल सॉकर और टेनिस है। साथ ही यहाँ के यूथ साइकिलिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग और जिम्नास्टिक जैसे खेलों में भी बहुत आगे हैं। साल 2016 में जो रियो ओलंपिक में खेला गया था, वहाँ पर ये देश बॉक्सिंग इवेंट में
टेबल टॉपर था और इस देश ने कुल मिलाकर 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। उज्बेकिस्तान के बसने की कहानी भी ना बड़ी अनोखी है। ये देश पहाड़ियों की सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी बारिश में जम जाया करता है और इन्हीं पहाड़ियों में सफेद फर वाले तेंदुए का घर होता है। यहाँ की मान्यताओं के अनुसार जब यहाँ शहर बसाया जा रहा था तो इन्हीं पहाड़ियों से एक तेंदुआ नीचे आया और इस शहर को बसाने की उसने इजाजत दी, तब जाकर इस देश को बसाया गया। दोस्तों उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ का इतिहास और कल्चर बहुत ही खास है और इस देश में साल 2012 में ही एक फरमान जारी किया गया था कि अब से इस देश में कोई भी 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे नहीं मनाएगा बल्कि इस दिन बाबर का जन्मदिन मनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ के लोग ना बाबर को अपना नायक मानते हैं और बहुत सम्मान करते हैं। और आपको बता दें कि बाबर का जन्म यहाँ के आंदिजान शहर में हुआ था। आपको बता दें दोस्तों कि सेंट्रल एशिया के देशों में सिर्फ उज्बेकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास मेट्रो है। ताशकंद मेट्रो दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो में गिना जाता है। अब चूंकि उज्बेकिस्तान में लगभग मुस्लिम ही रहते हैं इसलिए यहाँ आपको इस्लामिक स्टाइल की बिल्डिंग और मस्जिदें देखने को मिलेंगी। दोस्तों उज्बेकिस्तान के लोगों को ना नॉनवेज खाना बहुत ही पसंद है। यहाँ खाने की लगभग हर वैरायटी में मीट किसी ना किसी रूप में शामिल होता है। वही मसाले भी जमकर झोंके जाते हैं यार। और देश का राष्ट्रीय भोजन पालोव है जिसे बनाने में यहाँ मटन चावल प्याज और कद्दूकस की हुई गाजर का उपयोग किया जाता है। पालोव को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस व्यंजन की खोज सिकंदर महान के रसोइयों ने की थी लेकिन समय के साथ इस भोजन को ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कद्दू मिर्च या सूखे टमाटर जैसी चीजों को इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके नाम से लगता है कि ये हमारे यहाँ के पुलाव जैसा कुछ होता होगा ना, लेकिन दोस्तों इसका स्वाद पुलाव जैसा जरा भी नहीं है। इसमें एकदम अलग ही तरह का स्वाद और महक होती है जो कि वाकई में टेस्टी होती है यार। इसके अलावा ब्रेड भी उज्बेकिस्तान के लोगों का मुख्य भोजन में शामिल है। यहाँ आपको अलग अलग तरह की वैरायटी की ब्रेड मिल जाएंगी और यहाँ एक साथ भोजन करते वक्त सबके साथ बांटने के लिए ब्रेड के टुकड़े करके टोकरी में डालने का रिवाज है। उज्बेकिस्तान के लोगों का पसंदीदा सूप लागमन सूप होता है जिसे लोग बड़े ही चाव से पीते हैं। ये सूप गाजर टमाटर मटर प्याज मांस मसाले आलू पास्ता को मिक्स करके बनाया जाता है। एक और चीज जो आपको उज्बेकिस्तान के लोगों में देखने को मिलेगी और वो है यहाँ के लोग ना बहुत चाय पीते हैं यार। ये अगर दूध में बनी है तो इसे दूध पत्ती बोलते हैं। सिर्फ दूध वाली चाय ही नहीं ग्रीन टी पीने का भी शौक रखते हैं यहाँ के लोग, तभी तो यहाँ के लोग बात बात पर चाय की चुस्की लेते हैं। दोस्तों उज्बेकिस्तान में लेप्योश्का ब्रेड को लेकर भी एक अजीब रिवाज है। दरअसल लेप्योश्का ब्रेड को कभी भी ना उल्टा करके नहीं रखा जाता है और ना ही इसे जमीन पर रखा जाता है, चाहे किसी भी बैग के अंदर ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि अगर इसे उल्टा किया जाता है तो ये जीवन में बुरी किस्मत और दुख दर्द और नेगेटिविटी लाता है। दोस्तों भारत की तरह ही उज्बेकिस्तान के कल्चर में बड़ों का आदर प्राचीन समय से चला रहा है। उज्बेकिस्तान में बड़े बुजुर्गों का आदर इतना किया जाता है कि उनसे कोई ऊंची आवाज में बात ही नहीं करता है। ऐसे संस्कार हर जगह देखने को नहीं मिलते यार, गजब चीज है। उज्बेक परंपरा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चौंकाने के लिए काफी होती हैं। यहाँ सबसे सम्मानित गेस्ट को घर के एंट्री गेट से दूर बैठाकर आदर सम्मान दिया जाता है। इसका कारण क्या है ये तो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। और इस देश में पुरुष महिलाओं से हेलो करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के पास रखकर नमस्ते करते हैं। यहाँ के रीति रिवाज में अभिवादन के लिए हाथ मिलाने की परंपरा पुरुषों तक ही सीमित है, पुरुष महिलाओं से हाथ नहीं मिला सकते हैं। और उज्बेकिस्तान की एक बहुत ही पुरानी और अजीब परंपरा है। दरअसल जब भी किसी उज्बेक परिवार का कोई सदस्य यात्रा पर जाता है तो उसे यात्रा पर जाने से पहले उज्बेक ब्रेड से आधा टुकड़ा काट कर खाना होता है। बचा हुआ आधा टुकड़ा छिपा कर रखा जाता है या जमीन में दफना दिया जाता है तब तक जब तक कि गया हुआ व्यक्ति वापस लौट कर घर नहीं आ जाए। इसके पीछे भी कोई ना कोई राज होगा जिसे हम नहीं जानते। वैसे आप लोगों को कोई आइडिया है क्या इसका क्या राज हो सकता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले के समय में उज्बेकिस्तान में दूसरे देशों के लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, इसके कारण यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते थे। लेकिन अब ये देश टूरिस्टों के बीच में ना टॉप की पसंद बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान के उन जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शुरुआत आप उज्बेकिस्तान ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया के सबसे पुराने शहर समरकंद से कीजिए। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। जब कोई उज्बेकिस्तान की बात करता है ना तो समरकंद की चर्चा सबसे पहले करते हैं। उत्तर पूर्वी उज्बेकिस्तान में जराफशान नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है और यहाँ इंसान करीबन 1500 ईसा पूर्व से ही रहता आ रहा है। समरकंद में आप रेगिस्तान, शाह जिंदा, गुड़ अमीर मकबरा, तिल्याकोरी मदरसा, उलुग बेग मदरसा और बीबी खानम मस्जिद जैसी जगहों पर जरूर जाइएगा। उज्बेकिस्तान इर्जन कला, बुखारा, समरकंद, शाखे सियाब्ज और वेस्टर्न टियन शान जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है। इनको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा यार, ये बहुत अच्छी जगह है। गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए उज्बेकिस्तान एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। इसके लिए आप जा सकते हैं फरगान घाटी और यहाँ से अंदीजान शहर की ओर सफर करते वक्त आपको सड़क के किनारे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी बिकती हुई दिखाई देगी। उज्बेकिस्तान का तरमेज एक बहुत ही पुराना शहर है। आप इस शहर में अनोखे स्थापत्य कला को देख सकते हैं। दोस्तों उज्बेकिस्तान जाने से पहले आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि इस देश में पुलिस के साथ गलत व्यवहार करने पर सख्त सजा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर समलैंगिकता गैर कानूनी है। 20 साल से कम उम्र के युवाओं को ड्रग्स, तंबाकू और शराब के सेवन पर जेल की सजा दी जाती है और इस देश में पब्लिक प्लेस पर फोटो खिंचाना भी एक जुर्म है। जरा सावधान रहिएगा, सेल्फी के चक्कर में पड़ के जेल की हवा मत खाइएगा। दोस्तों उज्बेकिस्तान की यात्रा का सबसे अच्छा समय अप्रैल से मई तक और सितंबर से नवंबर तक होता है। उस समय यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। तो दोस्तों ये था बहुत ही खूबसूरत देश उज्बेकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि
आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज के वीडियो में आपको उज्बेकिस्तान की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप गए हो उज्बेकिस्तान और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।